Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कलमा पढ़ने वाला इंसानों के आगे नहीं झुकता, अल्लाह से उम्मीद रखता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जैसे ही कर्फ्यू उठेगा, इंसानों का समंदर आजादी के लिए बाहर निकलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है, क्योंकि वो इंसानों के सामने नहीं झुकता, इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाता, सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद रखता है। मौलाना फजल रहमान पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने मंसूबाबंदी कर ली। प्रोवेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर होम डिपार्टमेंट ने मौलाना फजल रहमान की जिंदगी को खतरे से मुतालिक थ्रेड्स अलर्ट जारी कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में 11 रोज से जेर इलाज, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हालत में बेहतरी आना शुरू। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 55,000 तक पहुंच गई। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से आजादी मार्च में शामिल हो गए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते। इस मुल्क के आवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीरे आजम को मानने को तैयार नहीं है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में आजादी परेड से खिताब करते हुए कहा, हम दावा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कलमा पढ़ने वाला इंसानों के आगे नहीं झुकता, अल्लाह से उम्मीद रखता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलमा पढ़ने वाला इंसानों के आगे नहीं झुकता, अल्लाह से उम्मीद रखता है। मकबूजा कश्मीर में जैसे ही कर्फ्यू उठेगा, इंसानों का समंदर आज़ादी के लिए बाहर निकलेगा। इंशाअल्लाह कोई भी ताकत कश्मीर को आज़ाद होने से नहीं रोक सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी परेड से खिताब करते हुए कहा, हम दावा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कलमा पढ़ने वाला इंसानों के आगे नहीं झुकता, अल्लाह से उम्मीद रखता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आजाद करता है। जब हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है, क्योंकि वो इंसानों के सामने नहीं झुकता, इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाता, सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद रखता है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कश्मीरियों को पैगाम है, पाकिस्तानी आपके पीछे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, कश्मीरियों का सफीर और वकील हूँ, पूरी दुनिया में कश्मीरियों की वकालत करूंगा। गिलगित के लोग जंग ना लड़ते तो ये भी आज मोदी के जुल्म का शिकार होते, मौत का खौफ खत्म हो जाता है तो वो बड़ा इंसान बन जाता है। 9 लाख हिंदुस्तान की फौज, उनको उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। उन हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए आज मैं ये पैगाम देता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आपके पीछे खड़ी है, आपके लिए दुआएं कर रही है। मैं आपका सफीर भी हूं, बन चुका हूं, आपका तर्जुमान भी बन चुका हूं, और इंशाअल्लाह दुनिया में आपका वकील भी बन के सारी दुनिया में आपकी वकालत करूंगा। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में धरने के दौरान नामालूम दहशतगर्दों की तरफ से जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान पर हमले की मंसूबाबंदी की गई, जिसके तहत दहशतगर्द मौलाना को कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमाए इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने मंसूबाबंदी कर ली। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में धरने के दौरान नामालूम दहशतगर्दों की तरफ से जमीयत उलमाए इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान पर हमले की मंसूबाबंदी की गई है, जिसके तहत दहशतगर्द मौलाना को कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि हमले के लिए बारूद से भरी गाड़ी भी इस्तेमाल की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि प्रोवेंशन इंटेलिजेंस सेंटर होम डिपार्टमेंट ने मौलाना फजल रहमान की जिंदगी को खतरे से मुतालिक थ्रेट अलर्ट जारी किया है, जिससे हुकूमत पंजाब को भी आगाह कर दिया गया है। थ्रेट अलर्ट के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS जानलेवा हमला कर सकते हैं। थ्रेट अलर्ट में बताया गया है कि रॉ और NDS ने टारगेट किलर से राबता कर लिया है, जबकि सेंटर होम डिपार्टमेंट ने इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को भी आगाह कर दिया है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, आपको बताया लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 11 रोज से जेर इलाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हालत में बेहतरी आना शुरू हो गई है और उनके प्लेटलेट्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके बाद वो सफ़र के काबिल हो गए हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 11 रोज से ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हालत में बेहतरी आना शुरू हो गई है और उनके प्लेटलेट्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि आखिरी CBC रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 55,000 तक पहुँच गई है और उनकी हालत में बेहतरी आ रही है। 50,000 प्लेटलेट्स होने के बाद नवाज शरीफ सफ़र कर सकते हैं, ताहम सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयास का कहना है कि नवाज शरीफ को अभी डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मेडिकल बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना कर रहा है। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड आज भी नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेगा, जिसके बाद मजीद टेस्ट तजवीज किए जाएंगे। ITP तख्शीस के बाद तजवीज़ करदा अद्वियात नवाज शरीफ को बेहतर कर रही हैं, जबकि नवाज शरीफ को दिल और गुर्दे के मसाइल इलाज मुआलजे में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते और वो किसी सेलेक्टर या आमिर के सामने अपना सर झुकाने को तैयार नहीं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आवाम आज भी किसी सेलेक्टेड वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते और ना वो किसी सेलेक्टर या आमिर के सामने अपना सर झुकाने को तैयार है। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से आज़ादी मार्च में शामिल हो गए, जहाँ उनका पुरतपाकिस्तान
استقبال کیا گیا اپوزیشن رہنماؤں نے ان کی موجودگی کو سراہا اور انہیں خیر مقدم کہا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ آزادی مارچ میں شامل تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اس ملک کی عوام آج بھی کسی سلیکٹڈ وزیر اعظم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ وہ کسی سلیکٹڈ یا عامر کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ سلیکٹڈ کو جانا ہوگا اور یہ تمام صوبوں کا نعرہ ہے اس ملک کی بہادر اور غیرت مند عوام آج بھی کسی کٹ پٹلی کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں ہے اس ملک کے عوام آج بھی کسی سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس ملک کے عوام نہ کسی سلیکٹڈ کو مانتے ہیں نہ کسی کپٹلی کو مانتے ہیں مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. Bhai umma ke muhafizon ne bahut si investments kar rakhi hai wahan. Aage wo log aapke liye haar leke nahi khade. Jab tak inshaallah unko azadi nahi milegi hum unke sath khade rahenge. Do not live in a fool's paradise. Bushra Khan, Tara Tanaka, Kokab Farooqui, 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 Kokab Farooqui,